सलमान सिंह करने जा रहे हैं चौथी शादी। जी हाँ, अब आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अभी उनकी शादी को एक साल नहीं हुए, तब तक पवन सिंह कैसे कर सकते हैं अपनी चौथी शादी। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह ये चौथी शादी किसी और से नहीं, लगता है लुलिया से करने वाले हैं, क्योंकि आजकल लुलिया से उनके करीबी रिश्ते बड़े ही बेहतरीन हुए हैं। विशाखापट्टनम में लुलिया और उनकी फिल्म क्रैक फाइटर की शूटिंग थी। दूसरी तरफ ये हंगामा मचा हुआ था कि निधि झा पवन सिंह के लाइफ में अक्षरा सिंह वाली भूमिका निभाने जा रही हैं। वैसे आपको बता दें कि निधि और पवन की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब निधि को पवन के साथ पसंद किया गया हो। लुलिया वाले गाने में इन दोनों ने कहर बरपाया था और अब इनकी जोड़ी एक साथ एक फिल्म क्रैक फाइटर में आ रही है। कहा जा रहा है कि क्रैक फाइटर में पवन सिंह की नजदीकियों की वजह से ही लुलिया को ये अहम रोल मिल पाया है। अगर पवन सिंह के लाइफ में निधि झा एक अहम रोल यानी कि अक्षरा सिंह वाला रोल निभाती है तो वो भोजपुरी की कई बड़ी फिल्मों में नजर आपको आ सकती है। और आगे आने वाले समय में निधि और पवन की जोड़ी दर्शकों की शायद पहली पसंद वाली जोड़ी बन जाए। और अब बात आती है शादी की, तो आपको बता दें कि क्रैक फाइटर में निधि झा पवन सिंह का लव इंटरेस्ट के साथ साथ उनकी पत्नी का रोल भी निभाएंगी। तो हो गई ना पवन सिंह और लुलिया झा की शादी, भले ही रील में, रियल में नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।